मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में रविवार को छोटा मेला ग्राउंड के सामने अंजुमन अहले इस्लाम कमेटी और हजरत सरकार नौगज वली दरगाह कमेटी के तत्वावधान में निशुल्क 36 जोड़ों का निकाह कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह भी वर वधुओं को आशीर्वाद देने सम्मेलन स्थल पर पहुंचे। यहां आयोजित कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री ने नव वर वधुओं को सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए मुख्यमंत्री निकाय योजना में सभी दानदाताओं द्वारा दिए गए सहयोग पर मध्य प्रदेश शासन की ओर से धन्यवाद दिया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि गत दिवस बीजेपी के धरने में डीपी नहीं मिलने के आरोप पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने विपक्ष के आरोपों पर बिजली विभाग के अफसरों को तलब किया और उन्होंने बताया कि अब तक 1250 डीपी हम बदल चुके हैं। 70 साल में जो डीपी नहीं बदली गई थी वो भी बदल चुके हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मैं आलोचना में विश्वास करने के बजाय बेहतर कार्य करने में विश्वास करता हूं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी लोग अगर विकास में सहयोग करें, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सभी जोड़ों के खाते में 48,000 रुपये डाले जाएंगे। उन्होंने इस मौके पर दरगाह स्थल पर सामुदायिक भवन के लिए 11 लाख रुपये देने की घोषणा भी की। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। 2-3 दिन पहले एक धरना वरना हुआ, कुछ लोग बोल रहे थे कि डीपी नहीं मिल रही। मैंने आज बिजली विभाग के अफसरों को बुलाया, मैंने कहा कि भाई क्या हो रहा है, लाइट वाइट का क्या मामला है, विपक्ष आरोप लगा रहा है। बोले साहब 1250 डीपियां बदल चुके हैं, कुछ तो ऐसी थी जिसमें भूसा भरा हुआ था, गायों को खिला रहे थे, वो भी अगर हमको लौटाई तो वो भी हमने बदली और 10-10 साल पुरानी भी बदली। तो बात सारी ये है साथियों, हम लोग बदलना चाहते हैं, हम लोग आलोचना में नहीं पड़ना चाहते, लक्ष्य स्थापित करके काम करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। और यही ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से हासिल होगा जब हम आखिरी पंक्ति में खड़े गरीब व्यक्ति तक भी हम पहुंच पाएंगे। अभी पार्किंग की व्यवस्थाओं के बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि खिलचीपुर में व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्थाएं सब दूर हो और अच्छा यहाँ इस नगर का समग्र विकास हो, उसमें भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत कुछ तो हमारी पुलिस विभाग ने संभाली है और जहाँ पे भी कमी है वहाँ पे और काम करने की आवश्यकता है, वहाँ मिलके काम करेंगे। पर मेरा ये अनुरोध है कि हम सब मिलकर काम करें, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें और यहाँ जितने दानदाताओं ने, समिति की जिन भी दानदाताओं ने, मुझे अभी लिस्ट नहीं मालूम किसने क्या दिया दानदाताओं, जो दानदाताओं ने आज इस काम में सहयोग किया, मैं मध्य प्रदेश शासन की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे नेक काम में जो आपने शिरकत करी है, ईश्वर आपको आशीर्वाद देगा और ऊपर वाला पूरा आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पे लाएगा कि आपके घर में खूब दिनों दिन चौक तरक्की हो, बरकत बने, खूब तरक्की हो, ताकि आगे भी ऐसे निकाह कार्यक्रमों में और कन्यादान कार्यक्रम में और अच्छे कार्य के लिए आपको ईश्वर इतना मजबूत बनाए कि आप मदद कर सके। ये मेरा आप सब साथियों से अनुरोध है, मेरा यही आपसे अनुरोध रहेगा साथियों कि आप सबका प्रेम आशीर्वाद बना रहे और जितने भी नव दंपतियां हैं आपके सफल जीवन की कामना कौशिक जी ने तो करी है और उन्होंने बहुत गुण भी दिए हैं। फिर मुझे समझ में आया कौशिक जी की शादी भी तो खिलचीपुर में ही हुई है। मैंने काका जी की तरफ देखा, मैंने काका जी की भाई को पूरा आशीर्वाद बना रखा है, तभी वो ज्ञान दे रहा है। पर ये तो हास्य विनोद की बात है, मजाक की बात है, पर आप राष्ट्र के निर्माण में, परिवार के निर्माण में और अपने नगर के निर्माण में और एक अच्छे स्वच्छ समाज के निर्माण में आप लोग भागीदार बनेंगे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और हमारे जितने भी साथी यहाँ पे इस कार्यक्रम में शिरकत करने पधारे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चौथे स्तंभ के हमारे पत्रकार साथी भी यहाँ मौजूद हैं, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जा रहे हैं साथियों, मेरा मानना है कि समिति के हमारे अल्ताफ भाई और सब साथियों ने मिलकर अपनी पूरी ताकत से काम किया और व्यवस्थाएं यहां पर जुटाई। मुझे याद है पिछले 1 महीने से ये लगे हुए थे, जुटे हुए थे, सर्टिफिकेट बनवाना, कागजी कार्रवाई करवाना, व्यवस्था जमवाना, पूरी मेहनत के साथ इनने आज के इस कार्यक्रम को अंजाम दिया
और ये सफलता से आयोजन हो रहा है, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शादी का जश्न है और उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, जिन्होंने आज वो यहां पर उपस्थित नहीं है, मंच पे नहीं है, पर ये कार्यक्रम उनकी वजह से हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री कन्या निकाह कार्यक्रम पहले भी होता था परंतु उसमें सहायता मिलती थी 28,000 की, 6-7,000 काट दिए जाते थे। अब हमने नई व्यवस्था जुटवाई है जहां 51,000 की सहायता मिलेगी, 3,000 कटेंगे, 48,000 रुपया पूरा कन्या के खाते में जमा होगा। ये लक्ष्य बनाकर कार्यक्रम हमने तय किया और आज माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है कि मध्य प्रदेश में सैकड़ों गरीब परिवार की कन्याओं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी अंचल की हो, आज उनका विवाह और निकाह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और उसमें शासन भागीदार बन के काम कर रहा है और शासन की मदद पूरी पूरी मिल रही है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवार जो है हमारे, वो इस योजना का लाभ ले। इसलिए मैंने कहा कि अगला जो कार्यक्रम हम करवाएं वो 100 जोड़ों का करवाएं, मुख्यमंत्री कन्यादान का भी और मुख्यमंत्री निकाह का भी, दोनों कार्यक्रम आयोजित हो। और सीओ साहब, आप प्रयास करें इस आशय में जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी आपकी मदद करेंगे। फरवरी में पुनः मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का कार्यक्रम भी यहाँ पे हम संपन्न करवाएं। साथियों, बाबा नौगज वाली पीर में असीम आस्था यहाँ के सभी लोगों की है, यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब जाति के लोग बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और हम लोग अब लगातार प्रयासरत हैं कि खिलचीपुर के विकास में जो कड़ियां जुड़ रही हैं, चाहे मंडी रोड हो, चाहे हमारा नेशनल हाईवे हो, चाहे हमारा नया सामुदायिक भवन जो हम आईटीआई बिल्डिंग के जगह निर्माण करवाने जा रहे हैं, चाहे हमारे पेवर ब्लॉक लग रहे हैं, अतिक्रमण हट रहा है, व्यवस्था की ओर खिलचीपुर आगे बढ़ रहा है। 15 साल से किसी की निगाह नहीं थी इस नगर के ऊपर, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं काका जी, 11 लाख रुपए का सामुदायिक भवन तो हम यहाँ बनवाएंगे और साथ साथ इस पूरे स्थान में, क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट की जमीन है, फॉरेस्ट की जमीन को हम हाथ नहीं लगा सकते, पर जो अन्य फॉरेस्ट के बाहर जो जमीन है उसके माध्यम से यहाँ पे किस प्रकार से डेवलपमेंट हो सके उसका भी पूरा ध्यान हम देंगे और एक समग्र डेवलपमेंट का यहाँ का प्लान हम तैयार करवाएंगे। साथ साथ ही ओंकारनाथ तालाब का हमारा जीर्णोद्धार का हम प्लान तैयार पहले से ही करवा रहे हैं, उसको भी हम जल्द से जल्द लागू अगले बजट में लेके लागू करवाएंगे, ताकि खिलचीपुर क्या जैसा इतिहास है, खिलचीपुर का जैसा एक गंगा जमनी तहजीब का एक पूरा खिलचीपुर नगर एक पर्याय बना हुआ है, यहाँ चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे शिवालय हो, यहाँ पर हर चीज की अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक मुकाम है, तो उन सब का विकास के लिए भी हम लोग योजना तैयार कर रहे हैं और उसमें नौगज वाली पीर का स्थान को भी हम जोड़ के चलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।